हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन देख रहे थे रेस्पायरेशन इन प्लांट। रेस्पायरेशन इन प्लांट में अपन ने देख ली थी एरोबिक रेस्पिरेशन। अब अपन देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को एनसीईआरटी ने फर्मेंटेशन टर्म से दे रखा है। तो फर्मेंटेशन में अपन देखेंगे कि ये एनएरोबिक कंडीशंस में होता है। एनएरोबिक कंडीशंस मतलब O2 एब्सेंट। बट हमेशा अपन को O2 एब्सेंट नहीं सोचना है। जब O2 सेल के पास रिक्वायर्ड O2 से कम हो तब एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है सेल में। इसमें बच्चे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तब सारे हाइड्रोजन रिलीज नहीं होंगे। सारे हाइड्रोजन रिलीज नहीं होने को अपन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन बोलते हैं। अब अपन देखेंगे एनसीईआरटी ने अपन को ईस्ट का एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें ईस्ट या प्लांट सेल में सेम प्रोसेस होगी और एनिमल सेल और बैक्टीरिया में सेम प्रोसेस होगी। अब पायरविक एसिड तक तो अपना सेम प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस से पायरविक एसिड बनना एरोबिक और एनएरोबिक के लिए। उसके आगे अपन पायरविक एसिड से इथेनॉल का फॉर्मेशन करेंगे तो अपने पास एंड प्रोडक्ट होगा इथेनॉल प्लस CO2 इन प्लांट सेल में। बट बच्चे एनिमल सेल में अपन को ध्यान रखना है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, वहाँ CO2 रिलीज नहीं होगी। तो अपन पायरविक एसिड से इथेनॉल का फॉर्मेशन करेंगे ईस्ट या प्लांट सेल में। इसमें अपने दो एंजाइम काम में आते हैं, पायरविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एनिमल सेल या बैक्टीरियल सेल में सेम प्रोसेस होगा, पायरविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनने का। लैक्टिक एसिड अपने 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो अब अपन इसकी फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। ग्लूकोज से पायरविक एसिड बनना ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है जो अपन ने पढ़ रखा है। एनएरोबिक और एरोबिक दोनों में सेम चलता है। इसमें साइटोप्लाज्म में चलने वाला प्रोसेस है। तो ग्लूकोज के 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से अपन 2 ATP खर्च करके इसको PGL में कन्वर्ट करते हैं। PGL से अपन ने 3 PGA का मॉलिक्यूल बनाया, तो NADH2 और ATP का फॉर्मेशन किया। PP 3 PGA से अपन ने PP बनाया। PP से पायरविक एसिड बनाया, तो फिर से अपन ने 2 ATP का फॉर्मेशन किया। पायरविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं 3 कार्बन के। इसके आगे अपन देखेंगे कि सेल ईस्ट या प्लांट सेल में देखेंगे अपन पहले। तो ईस्ट या प्लांट सेल में पायरविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एसिटाइल्डिहाइड 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है और यहाँ 1 CO2 रिलीज हो जाएगी। तो एसिटाइल्डिहाइड 2 कार्बन का मॉलिक्यूल एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल भी 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे अपन ने सेल में जो NADH2 का फॉर्मेशन किया था वो NADH2 अपने काम आ जाएंगे वापस और NAD का फॉर्मेशन करेंगे एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इथेनॉल अपना एंड प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। इसमें बच्चे अपन देखेंगे कि PGL ने अपने हाइड्रोजन किसको दिए, NAD+ को दिए। तो इसका तो PGL का तो हो गया ऑक्सीडेशन और NAD+ का हो गया रिडक्शन। इसी तरह से NADH2 ने अपने हाइड्रोजन एसिटाइल्डिहाइड को दिए हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि PGL ने अपने हाइड्रोजन इनडायरेक्टली रूप से एसिटाइल्डिहाइड को दिए हैं। तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर अपना इसी चैन का मॉलिक्यूल है। बट अपन ने एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि एंड इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल
उस सेल के बाहर का मॉलिक्यूल था, H2O था वहाँ पे, बट यहाँ पे एसीटाइल्डिहाइड ही है। ये NAD H2 के माध्यम से अपने हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है। इस या प्लांट सेल का अपन देख लिया, अब बैक्टीरिया या एनिमल सेल का देखते हैं। इसमें पायरुविक एसिड से अपने लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन NAD+ से तो रिलीज हो जाएगा और पायरुविक एसिड को दे देगा, तो अपने NADH2 कंज्यूम हो गया इस प्रोसेस में और NAD+ का फॉर्मेशन हो गया। तो अपन देखते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अपने बहुत कम ATP का फॉर्मेशन होता है, 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ और जो NADH2 का फॉर्मेशन हुआ वो इसी साइकिल में वापस अपने काम में आ गए। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेस्पायरेटरी क्वोशेंट RQ। RQ क्या है बच्चे? वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व्ड बटे वॉल्यूम ऑफ CO2 O2 कंज्यूम्ड, मतलब CO2 जो काम में आई वो और O2 जो अपन ने कंज्यूम की उसका रेशियो RQ कहलाता है। अब अपन सबसे पहले इसमें कार्बोहाइड्रेट का देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट की जो इक्वेशन देखी थी अपने, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O कन्वर्ट होंगे 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी, RQ में बराबर होगा अपने 6CO2 काम में आई हैं और 6O2 अपन ने कंज्यूम की हैं, तो इसका रेशियो 1 आ जाएगा। अब सेकंड अपन देखेंगे फैटी एसिड। फैटी एसिड में अपन ने ट्राइपामेट का लिया है, 2 मॉलिक्यूल हैं इसके, C15H98O6 प्लस 145O2 कन्वर्ट होंगे 102 CO2 प्लस 98H2O प्लस एनर्जी, तो इसका RQ पर निकालेंगे 102 O2 CO2 और 145 O2, तो अपने आ गए 0.7, मतलब लेस देन 1, क्योंकि बच्चे इसमें O2 ज़्यादा कंज्यूम हो रही है ग्लूकोज से, तो इसका रेशियो 1 से कम आएगा। इसी तरह बच्चे प्रोटीन का भी RQ 1 से कम आता है, 0.9। अब अपन देखेंगे इसमें कि अपने प्रोटीन और फैटिक एसिड डायरेक्ट कंज्यूम नहीं होते रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है और फैटी एसिड अपना फैटिक एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है और उसके बाद में अपने रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में इन्वॉल्व होके उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इस तरह अपना रेस्पिरेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।